पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तैयारियां चल रही हैं, एक जनरल बैठक पहले भी हम लोग कर चुके हैं जिसमें सभी मेंबर्स को बुलाकर उनको सेवा दी गई। दूसरी बैठक आज हम लोगों ने रखी है, इसमें अलग अलग हर दिन के मुख्य यजमान बनाए गए हैं। 9 दिन का कार्यक्रम यही इसी स्थल पर होगा, BR100 लाजपत नगर में। 9वीं का कार्यक्रम होगा, उसके मुख्य यजमान रेखा एवं विनोद श्रीवास्तव जी के द्वारा हो रहा है, सभी भक्तों का उसमें सहयोग रहेगा। और दूसरा कार्यक्रम हमारा कन्या पूजन का होगा, जो 9वीं के दिन सायंकाल 4 बजे से होगा। 9वीं कन्या पूजन के पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ होगा भजन संध्या, जिसमें राखी वाधवा जी दिल्ली से आ रही हैं, उनके द्वारा भजन। और राम जन्म उत्सव की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, वो भी होगा। जितने हम अतिथि बुलाते हैं उनके द्वारा माँ भगवती की महाआरती होती है, उसके उपरांत भंडारा चलता है, भक्ति रसमाला। ये हमारा भक्ति रसमाला कीर्तन पुस्तिका 22वां वर्ष होगा उसका, उसका विमोचन भी होगा और भक्तों में वो बिना किसी मूल्य के किताब वितरित की जाएगी। क्या समय रहने वाला है सभी कार्यक्रमों का? 9 दिन का कार्यक्रम रहेंगे। 9 दिन के कार्यक्रम मुख्य यजमान के द्वारा जो होंगे, सायंकाल 3:30 बजे से प्रारंभ करेंगे, 6:30 बजे आरती का समय दिया जाएगा। उसमें माँ भगवती का श्रृंगार, माँ भगवती का भोग, इसके उपरांत नए नए तरीके से अलग अलग माँ भगवती को भोग के यजमान भी नियुक्त करे गए हैं, उनके द्वारा वो सेवा भी भगवती को दी जाएगी। महत्वपूर्ण सेवा माँ भगवती की पान की होगी, और क्योंकि राम जन्म उत्सव है तो राम जी की बधाई नृत्य, उसके लिए भी सभी भक्त बहुत अच्छे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, बधाइयाँ गाई जाएंगी राम जन्म उत्सव की। भक्तों से क्या संदेश देना चाहिए? भक्तों से यही संदेश दिया जाएगा कि जय श्री राम का नारा तो अब लगा ही रहे हैं, माँ भगवती की भी कृपा है, तो सभी इतने सुंदर अवसर को अपने आएँ और उसको देखें, उत्साह से उसमें शामिल हों, कार्यक्रम को अच्छा देखें। चैत के नवरात्रि जो 9 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, उसमें हमने भव्य रूप से सब तैयारी शुरू कर दी है। हमारा मेन आकर्षण माँ भगवती का श्रृंगार रहेगा, जिसमें हर दिन हम 9 दिन अलग अलग माँ का रूप दिखाएंगे। स्टेट वाइज भी हम माँ को पूरा तैयार करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, पंजाब का, राजस्थान, साउथ का, अपना यूपी का, हर प्रदेश के माँ भगवती का हम सौंदर्य से सबसे रूप निखारेंगे उनका, और बेस्ट से बेस्ट अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, जिससे कि जगह से दूर दूर से लोग आए उसका कर सकें। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम हैं? 9 दिन तो माँ भगवती का भजन कीर्तन होगा, उसके साथ माँ का श्रृंगार होगा, और हमारा डांस होगा, क्योंकि राम जन्म उत्सव है। 9वीं के पूरे 9 दिन 8 दिन हम मैया का श्रृंगार के साथ साथ, भजन के साथ साथ रामनवमी उत्सव बनाएंगे, रामायण। अष्टमी के दिन हमारा अखंड रामायण का स्पेशल वो होगा, इसमें एक पाठ बैठेगा, सुबह 8 बजे से होगा, और दूसरे दिन उसका भंडारा होगा समाप्ति का। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।